नमस्कार दोस्तों, इंडिया बायनोक्लर शॉप में आपका फिर स्वागत है। 8x42 रूफ प्रिज्म में जो बायनोक्लर्स हैं उनके बहुत बड़े एडवांटेज हैं। सबसे पहला ये कि वो काफ़ी लाइट वेट होते हैं कंपेयर टू पोरो प्रिज्म या इवन 10x42। जो 10x42 हैं, जो पास में हमने वीडियो बनाया था, वो थोड़े से पावर ज़रूर ज़्यादा देते हैं लेकिन एरिया थोड़ा कम कर देते हैं जो देखने वाला है। प्लस हमारे हाथों की जो वाइब्रेशन है, ज़्यादा पावर वाले या ज़्यादा जूम वाले बायनोक्लर्स में इमेजेस जो हम देखते हैं वो शेक होती है, लेकिन 8x एक परफेक्ट, पंडित्स भी मानते हैं, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि 8x पावर एक परफेक्ट पावर है हैंड होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हमारे पास 5 बायनोक्लर्स हैं, 5 ब्रांडेड हैं। इनको अच्छे से हम एनालिसिस करेंगे, कोशिश करेंगे ब्रीफ में इनसे सबसे एक थोड़ी सी 2 सेकंड की पिक्चर भी निकालें, इनके फीचर्स, इनके प्राइसेस और कौन सा विनर है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है, उस तरीके से हम बात करेंगे। तो 8x42 बायनोक्लर्स जो हमारे पास है इस तरह से बॉक्स में आते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें 3 ब्रेसर के हैं। पहला ब्रेसर का 8x42 कॉन्डोर, दूसरा वेव का है, तीसरा जो है बार एंड स्ट्राउड, ये यूके की कंपनी है। ब्रेसर जो है जर्मन ब्रांड है जैसा आपको पता है। तो बार एंड स्ट्राउड में स्काईलाइन मॉडल है 8x42। चौथा जो है ब्रेसर का ये लूक्स मॉडल है, जो नया मॉडल आया मार्केट में 8x42। और फिर ये निकॉन का प्रोस्टाफ P3 मॉडल है। तो ये 5 बायनोक्लर है इस तरह से बॉक्स में आते हैं। इनके एक्सेसरीज क्या है, इनके फीचर्स क्या है, आइए उन पर बात करते हैं। 5 या 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कोई भी बायनोक्लर को चूज़ करने में। सबसे पहली बात है कि उसका बजट क्या है, क्या वो मेरे बजट में है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसकी जो क्वालिटी है, क्लैरिटी जो है इमेज की, वो कितनी अच्छी है। ये ज़रूरी नहीं कि जितना पावरफुल होगा उतना बढ़िया होगा। हाँ, वो थोड़ा पास से ज़रूर दिखाएगा, लेकिन क्लैरिटी का मतलब है चाहे आप दूर के डिस्टेंस वाले देखें या पास का देखें, उसमें क्लियर विजन होनी चाहिए, ऑप्टिक्स क्लियर होने चाहिए। ऑफकोर्स सराउंडिंग्स अगर साफ़ होंगे तो आपको इमेज और बढ़िया दिखाई देगी, स्पेशली सनलाइट में। तीसरा एक फैक्टर ये है कि कितना लाइट वेट है, क्योंकि ये जो रूफ प्रिज्म वाली कैटेगरी है ये लोग इसलिए लेते हैं कि एक तो ये पास फोकस करते हैं और दूसरा लाइट वेट होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उनके अंदर जो नाइट्रोजन फील्ड है जो एंटी फॉगिंग और डस्ट वगैरह से रोकती है, वाटरप्रूफिंग होती है, वो होनी ज़रूरी है, वो इन सब में है। एक और फैक्टर, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कोटिंग्स लेवल कितने हैं, क्योंकि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बायनोक्लर से देखते हैं तो जो इमेज की लाइट आती है ट्रेवल करती है बायनोक्लर्स के बैरल में, वो डिफ्लेक्ट होती है ग्लास पे, तो उसकी इमेज की ब्राइटनेस को रिटेन करने के लिए कोटिंग्स जितनी अच्छी होंगी, फुली मल्टी कोटेड जो बायनोक्लर्स होंगे वो स्लाइटली शार्पर इमेज देंगे कंपेयर टू मल्टी कोटेड। और लास्ट में उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है या एसेसरीज हैं उसके साथ क्या आ रही हैं, ये भी थोड़ा मैटर करता है। तो और जो लोग स्पेक्स लगाते हैं वो आई रिलीफ मांगते हैं कि आई रिलीफ कितना है, क्योंकि आई रिलीफ में आपकी आंख जो है पीछे रहती है और आपका चश्मा आगे है, उसके ऊपर से बायनोक्लर से देखना है तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो आई रिलीफ उस डिस्टेंस को जो है कवर अप करता है ताकि इमेज जो है अच्छे से आपके स्पेक्स के ऊपर सटे। जो लोग बायनोक्लर्स नहीं लगाते वो इतना आई रिलीफ पे बॉदर नहीं करते। एक लास्ट छोटा सा पॉइंट जो मैं कहूँगा कि बायनोक्लर्स कितना क्लोज फोकस करते हैं, क्योंकि रूफ प्रिज्म वाले वो लोग लेते हैं जो एडवेंचरर्स होते हैं, ट्रैकर्स होते हैं, बुश वॉकर्स होते हैं, माउंटेनियर्स होते हैं, जो बाइकर्स होते हैं, जो बड़ा लाइट वेट ट्रेवल करना है लेकिन हमने ट्रैक करना है, बुश वॉकिंग करनी है, तो बिल्कुल पास का भी अगर फोकस हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो ये सारे बायनोक्लर्स हैं पास का फोकस करते हैं, कितना करते हैं वो 1x1 हम पकड़ते हैं। सबसे पहले मैं निकॉन से स्टार्ट करता हूँ। निकॉन आप देख लीजिए इस तरीके से है, ये इसकी कोटिंग काफ़ी अच्छी स्मूथ, एक रिच फील आती है निकॉन को जब भी हाथ पर पकड़ते हैं। इसके जो लेंसेज हैं काफ़ी बड़े हैं, जो एक प्लस है। आई रिलीफ मैं देखता हूँ ये 3 क्लिक्स में ऊपर खुलता है। प्रोस्टाफ P3 मॉडल है ये, इसका सीरियल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप देखें तो हर एक मॉडल का निकॉन में सीरियल नंबर दिया होता है, तो यहाँ भी दिया हुआ है। कोटिंग्स पर मैं नज़र मार रहा हूँ, ये मल्टी कोटेड ऑप्टिक्स है, फुली मल्टी कोटेड नहीं है, लेकिन अगर आप एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ 7.2 डिग्री लिखा हुआ है, और कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने लिखी नहीं। तो हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देते हैं जो हमने कलेक्ट की है। इसका जो वेट है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वेट किया था, 566 ग्राम्स है। नियर बाई जो फोकस करता है वो 2 मीटर पे भी फोकस कर लेता है, जो कि बहुत बड़ा एज है इसका या इस जैसे बायनोक्लर्स का। दूसरा ये जो एरिया दिखाता है, अगर 1000 मीटर पर मैं देखता हूँ दूर,
126 मीटर का एरिया ये कवर करता है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी अच्छे बायनॉकुलर का। 8x40 क्योंकि वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखाते हैं, तो ये 126 कवर करता है। और जो क्लोज ये करता है वो 3 मीटर करता है, क्लोज फोकसिंग डिस्टेंस इसका 3 मीटर का है। साथ में क्या क्या आता है कि नज़र मार लेते हैं, ये इस तरह से इसका डस्ट कैप्स हैं नीचे की और ऊपर की, एक ये निकॉन की बेल्ट है और ये इसका बैग है इस तरीके से जो पैडिंग वाला है बेसिकली। और थोड़ी देर में देखते हैं कि ये फोटो कैसी दिखाई देती है। अब आगे आ जाएं तो मेरे पास लूक्स का मॉडल है, मैं प्राइस बता दूं ये 14,000 का है, निकॉन P3 8x42। आगे आ जाएं तो लूक्स का मॉडल है, इसकी कोटिंग सबसे पहले चेक कर लेते हैं, अच्छी मल्टी कोटेड बॉडी है इसकी, ये पॉलीकार्बोनेट में है, ये प्लास्टिक और अंदर एल्यूमिनियम मिक्स्ड है। तो इसकी कोटिंग्स पर नज़र मार लेते हैं, ये मल्टी कोटेड है, ये सारे बैक फोर में है, ये भी नाइट्रोजन फिल्ड है अगर आप देखें यहाँ पे इस तरीके से। इसका आई रिलीफ जो है करीब 17 के आसपास है, नियरेस्ट फोकसिंग जो है अगर मैं नियरेस्ट का देखूँ तो ये करीब 4 मीटर के आसपास करता है। इसका जो वेट है वो करीब 514 ग्राम है और एरिया जो ये दिखाता है 1000 मीटर पर 109 मीटर के करीब एरिया दिखाता है। प्राइस इसकी क्या है, ये 7500 का है। इसमें आता क्या क्या है, ये इसका स्ट्रैप है इस तरीके से आप देख रहे हैं, और ये इसके डस्ट कवर्स हैं, और ये इस तरह से पाउच में आता है, इसमें बैग नहीं आता लेकिन ये ब्रेसर लोगों का एक इसके साथ पाउच आता है। और 7500 का है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। आगे चलते हैं तो हमारे पास बार एंड स्ट्राउड जो यूके की कंपनी है वो है, इसकी भी कोटिंग्स पर नज़र मार लेते हैं। ये डस्ट कैप्स इसमें 7 में लगी हुई हैं, बाकी 2 बायनॉक्युलर्स में हमने देखा उसमें 7 में नहीं लगी हुई थी। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मैटर करती हैं। आई रिलीफ इसका भी अच्छा है अगर हम देखें यहाँ पे, करीब 17.8 के आसपास है और ये 113 मीटर का एरिया कवर करता है। क्लोज फोकसिंग डिस्टेंस का जो है वो 3.5 मीटर का है और इसकी जो प्राइस है वो 9,440 है। कोटिंग्स मैं जो चेक कर रहा हूँ, कोटिंग्स इसकी मल्टी कोटेड है। और साथ में इसके क्या क्या आता है, ये इस तरीके से इसके स्ट्रैप है, डस्ट कवर है ऊपर का, और ये इसका बैग है। बैग काफ़ी बढ़िया लगा मुझे, इसमें अलग से बैग का भी स्ट्रैप है। ये इसमें यहाँ पे 2 पॉकेट्स हैं, ये वाली और ये वाली। और जो इसकी प्राइसिंग है वो 9,440 की है। आगे चलें तो हमारे पास ब्रेसर का वेव सीरीज में है, इसकी भी डस्ट कवर ये साथ में लगी रहती हैं। नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस जो है इसका 3.5 मीटर का है। इसके जो कोटिंग्स पे अगर आप नज़र मारेंगे तो ये कोटिंग सबसे बेस्ट है, फुली मल्टी कोटेड है। और ये इसका मेटल का डायोप्टर है, मेटल का ये राइट आई एडजस्टमेंट है, ये आईपीसीस का एरिया है जहाँ से आपने देखना है। इसका ये जो आई रिलीफ है वो करीब 18.2 के आसपास है, 18.2 जो काफ़ी अच्छा आई रिलीफ है, निकॉन का सबसे बढ़िया था जो अभी तक हमने देखा था 20.2, तो इसका 18.2 आई रिलीफ है। और एरिया जो ये दिखाता है करीब 113 मीटर दिखाता है, 1000 मीटर पर जब हम देखते हैं तो 113 मीटर का एरिया ये कवर करता है। नियरेस्ट फोकसिंग डिस्टेंस इसका 3.5 मीटर है और इसकी प्राइस जो है ये 10,500 रुपीज़ का है। साथ में क्या क्या आता है, एक बड़ा सा स्ट्रैप आता है प्रेशर का ऐसे, और एक ये बैग आता है काफ़ी कॉम्पैक्ट सा इस तरीके से, इस तरीके से पैडिंग वाला है। बैग्स की बात कर लूँ तो मुझे सबसे बढ़िया बैग जो है बार एंड स्ट्राउट का लगा। लास्ट में चलें तो ये कॉन्डोर का है हमारे पास, इसकी भी जो कोटिंग है फुली मल्टी कोटेड है और ये मेटल का है, काफ़ी प्रोनाउंस है, काफ़ी हैवी पीस है। इनफैक्ट इन सब में सबसे हैवी यही था, करीब 695 ग्राम्स का है। जो हमने वेट किया है वो डस्ट कैप्स निकाल के किए हैं, जिनके डस्ट कैप्स अटैच थे उनके वो डस्ट कैप का वेट लेट करके हमने किया है। ये इसके आई कैप्स हैं, काफ़ी बड़े हैं, निकॉन के काफ़ी बड़े थे, इसके काफ़ी बड़े हैं। ब्रेसर का एक छोटा सा झूलता हुआ लोगो साथ में है, मेटल का है ये, फुली मल्टी कोटेड है। और इसका जो आई रिलीफ है वो करीब 17.1 मीटर है और एरिया जो ये कवर करता है 118 मीटर का करता है और नियर बाई फोकस जो है इसका 3 मीटर का है। तो यहाँ पर निकॉन और कॉन्डोर ये दोनों 3 मीटर पे फोकस कर रहे हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो 11,500 रुपीज़ की है। एसेसरीज इसमें और साथ में क्या है, एक ये स्ट्रैप है बड़ा सा ब्रेसर ब्रांडिंग के साथ, ये इसकी डस्ट कैप्स हैं और ये इसका बैग है और ये इसका बैग का स्ट्रैप है। बैग पे नज़र मार लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जैसे बार एंड स्ट्राउट का था, तो उस तरह का बैग कंपनी साथ में दे रही है। सारे बायनोकुलर्स में अगर क्लियर विनर मुझे पिक करना हो
बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि मैंने सबसे देखा और पिक्चर बहुत अच्छी, ब्राइट और शार्प बनती है इन सबसे, और अच्छे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स है, अपने अपने राइट में सबसे अच्छे हैं। फाइनली दोस्त, सम अप करें, अगर ये पांचों में हमें विनर चूज करना हो तो क्या क्या चीजें देखनी है? बाइनोकुलर्स की कोटिंग्स देखनी है, कितना लाइट वेट है, आई रिलीफ क्या है अगर मैं स्पेक्स लगाता हूँ, कितना पास का फोकस करता है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, एसेसरीज क्या साथ में आ रही है, और ऑफकोर्स प्राइसिंग। प्राइसिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और क्लोज फोकस भी डेफिनेटली। अगर आप बुश वॉकर हैं या आप ट्रैकिंग करते हैं तो आप चाहेंगे क्लोज फोकस वाले बायनोकुलर्स हो। जो पांचों बायनोकुलर्स हैं सबसे ज़्यादा जो पास फोकस करते हैं वो ये दोनों है, कॉन्डोर का और निकॉन का, दोनों 3 मीटर पे फोकस करते हैं। इसके बाद फिर वेव है जो 3.5 मीटर पे करता है, और लुक्स और ये जो स्काईलाइन है बार एंड स्ट्राउट का, ये 4 मीटर पे करते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो सबसे बेस्ट बिल्ड क्वालिटी मुझे कॉन्डोर की लगती है। सेकंड नंबर पे आप कह सकते हैं, बड़ा मुश्किल है, बार एंड स्ट्राउट, निकॉन और वेव, ये तीनों उस पर हैं। बहुत बजट पे अगर मैं हूँ तो डेफिनेटली लुक्स बड़ी अमेजिंग परफॉर्मेंस देता है। 7,500 में आपको मल्टी कोटेड वाटर प्रूफ बायनोकुलर, वो भी कंपनी का, मिल रहा है। हालांकि उसमें पाउच है, एक्सेसरीज में थोड़ा सा पीछे है, लेकिन वैसे वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। और अगर एरिया की बात करूँ कि एरिया बेस्ट कौन सा दिखा रहा है, तो निकॉन सबसे बेटर एरिया दिखा रहा है, वाइडर एरिया दिखा रहा है, और सेकेंड नंबर पर कॉन्डोर दिखा रहा है। अगर क्लैरिटी की मैं बात करूँ तो मुझे कॉन्डोर का एज मिला सबके ऊपर, हल्का सा एज था क्योंकि वो फुली मल्टी कोटेड है, वेव भी बहुत अच्छा है। हमने एंड में एक एक बायनोकुलर से थोड़ी देर का स्नैप लिया, 2-2 सेकंड का, तो वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, 2-2 सेकंड का लिया है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो प्राइस के हिसाब से जो मुझे सबसे ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं वो वेव और कॉन्डोर में मिल रहे हैं। और अगर 10,000 से ऊपर के बजट में मुझे नहीं जाना, नीचे रहना है, तो 7,500 और 9,500 का आप ये कंसिडर कर सकते हैं, स्काईलाइन और ये। लेकिन अगर आप निकॉन के दवाने हैं तो डेफिनेटली बहुत से बॉक्सेस निकॉन टेक करता है, बस प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं इसकी। तो ये चीज़ें हैं जो आपने देखनी है। अगर आप स्पेक्टिकल वेयरर हैं तो सबसे बेस्ट निकॉन है, आपको आई रिलीफ बहुत बढ़िया दे रहा है, 20.2 समथिंग। तो ये एक सम अप था इन सब का, इसमें कोई क्लियर विनर या क्लियर लूजर नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है। 7,500 रुपये से लेके 14,000 तक के ये बायनोकुलर्स हैं, सारे ब्रांड्स हैं, ब्रेसर, बार एंड स्ट्राउट और निकॉन। और आप मुझे बताइए कि आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा, और आप 2-2 सेकंड के स्नैप देखते हैं ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो। इसी तरह से और भी यूजफुल वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक्स।